टॉप सुपर फोर में क्वालिफाई हुई थी और निश्चित तौर पर वलवली और शेडुंग 11 टीम अंतिम टॉप टू में प्रवेश कर चुकी है और मेगा फाइनल का ये आखिरी मुकाबला और यहां से जीतेंगे तो सरपंच ट्रॉफी के हकदार निश्चित तौर पर दावेदारी पेश कर सकती है। तो खोपटा और निश्चित तौर पर बेलवली ये दो टीमें निश्चित तौर पर परास्त हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड के लिए ये दोनों टीमें जो गावदे में एकता स्पोर्ट्स वलवली विपक्ष शेडुंग 11 के बीच टॉस जरूर जीता है। जय हनुमान 11 शेडुंग टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया तो बैटिंग करने का फैसला लिया और यहां से दो ओवर का मुकाबला होगा। तो गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज है तो ऋषिकेश बलराम धर्मापाटील साहब अंजवती ने 500 रुपये पारदर्शी बेलवली क्रिकेट संघाला ओवर टू प्रवीण गेंद राइट अप ओवर द विकेट फेंकने के लिए तैयार होते हुए। देखिए बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन ऑफस्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर दीपक पाटिल कर का इशारा वाइड गेंद का करा रहा था हुआ और वाइड के साथ शुभारंभ हुआ इस वक्त शेडुंग 11 टीम का। तो पहले दो ओवर में कितने रन बना पाएगी ये भी बहुत बड़ी देखने वाली बात हो सकती है। तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज है इस वक्त दर्शन और दूसरे बल्लेबाज होंगे गजानन। ये प्रारंभिक जोड़ी जय हनुमान शेडुंग 11 टीम की ओर से आती हुई ऋषि पालेकर खेलने के लिए फेंकने के लिए तैयार होते हुए पहले ओवर में इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के रीजन में फील्डर आएंगे और ये देखिए नीलेश मात्रे की आज बल्लेबाजी थोड़ी सी नाकाम में भी रही और खराब फील्डिंग होती हुई तब तक बल्लेबाजों के पास दो रन लेने का पर्याप्त समय था और दो रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है टोटल 3 रनों के ऊपर। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, मुश्किलों की क्या औकात है और कामयाबी पाने के लिए दोनों टीमें भी तरस रही है और जिस तरीके से शानदार मौका मिला इस बल्लेबाज को दर्शन क्या कमाल की शुरुआत देते हुए शेडुंग टीम के लिए फुलर लेन की डिलीवरी थी डिप मिड विकेट के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक और एक टप्पा गेंद सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे मच्छिंद्र दुर्गे साहब इनके ओर से बल्लेबाज के लिए हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है। तो 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची टोटल 7 रनों के ऊपर। गेंदबाज ऋषि यॉर्क खेलने की कोशिश और हाथों से खेला इस गेंद को टैपिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश लेकिन एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाए तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास और 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है टोटल 8 रनों के ऊपर। जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, हारने के लिए बस एक डर ही काफी है। ये जीतने के लिए दोनों भी टीमें संघर्ष कर रही है, जहां हिम्मत समाप्त होती है वहां से हार की शुरुआत होती है। हिम्मत किसमें है, कौन होगा चैंपियन सरपंच ट्रॉफी का दावेदार यह भी देखने वाली बात हो सकती है। इस बार अच्छी गेंद फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं मिलेगा। देखिए 8-10 रन 11 रन दो ओवर में बना पाती है तो मुकाबला गेंदबाजी के आधार पर काफी रोमांचक हमें देखने को मिलता है और यहां से 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है टोटल 9 रन, यानी कि अच्छी मार अब तक वलवली टीम की गेंदबाज ऋषि पालेकर ऋषि को मिली है क्योंकि सफल गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। बॉलर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक फिर से एक बार नीलेश मात्रे लेकिन इस मरतबा कोई गलती नहीं है, पहला विकेट मैदान से बाहर। थैंक यू डीजे छत्रपति शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल आम्ही सातत्याने सांगत असतो 65 किलोची तलवार वाकतो त्याचं नाव व्यसाजी 2000 शत्रूंशी एकटा झुंज देतो त्याचं नाव बाजी हात तुटला लढत राहते त्याचं नाव तानाजी दिल्लीवरून 8 तासात घोडा आणतो त्याचं नाव संताजी दुश्मनाच्या तंबूचा कलच चोरून आणतो त्याचं नाव धनाजी जो वाघाला फाडतो त्याचं नाव संभाजी आणि या सर्वांना एकत्र घेऊन स्वराज्याची निर्मिती करतो त्याचं नाव शिवछत्रपती। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की। कमाल का मुकाबला दोनों टीमों के बीच में, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद अंपायर का वाइड गेंद का और एक इशारा आता हुआ और वाइड के साथ अतिरिक्त हाथों में बढ़ोतरी हो चुकी है और टीम की रन संख्या पहुंची है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। क्या कमाल की शुरुआत होती हुई इस वक्त बल्लेबाजी की बात करेंगे शेडुंग टीम इनके खिलाफ खोपटा टीम थी लेकिन खोपटा टीम कई जगह फाइनल खेलने के कारण इस मैदान के ऊपर पहुंची नहीं और सीधा जीत दिलाई शेडुंग 11 टीम ने और फाइनल में क्या दमदार प्रदर्शन होता हुआ वलवली टीम के सामने। फुलर लेन की डिलीवरी थी कालपेट के आधार पर, मिड विकेट के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक था लेकिन जब तक रमेश फील्ड करे थ्रो करे तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 2 रनों का लेकिन ओवर की हुई समाप्ति महंगी ओवर। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है टोटल 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जय हनुमान शेडुंग।
शत्रूंशी एकटा झुंज देतो त्याचं नाव बाजी, हात तुटला तरी लढत राहतो त्याचं नाव तानाजी, 8 तासात दिल्लीवरून पुण्याला घोडा आणतो त्याचं नाव संताजी, 1.5 तासात दुश्मनांच्या तंबूचा कलत चोरून आणतो त्याचं नाव धनाजी, जो वाघाला पाडतो त्याचं नाव संभाजी, आणि या सगळ्यांना एकत्र घेऊन स्वराज्याची निर्मिती करतो त्याचंच नाव शिवाजी. थैंक यू डीजे. तो पहला ओवर बिल्कुल जानमान शेडुंग 11 टीम के नाम पर. रमेश गेंदबाजी के मात पर आते हुए काफी तेज तर्रार गेंदबाज है. बाउंसर मारने की ताकत इस गेंदबाज में है. पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच, आवाज भी बढ़िया आई लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से. बिग 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 विकेट. थैंक यू डीजे. क्या लाजवाब स्ट्रोक. इनके लाट में गेंद आएगी तो सीधा बाहर ही जाएगी. और देखिए क्या शानदार छक्का जड़ा. आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुने और ये रास्ता अपनाते हुए इस बार अच्छी गेंद थी. ज्यादा बाउंस मिली थी इस गेंद के ऊपर, लेकिन अंपायर का इशारा मात्र केवल एक डिक्लेयर का आएगा और इसे एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है टोटल 19 रन. बोलकर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज्यादा पसंद करते हैं. वो जय हनुमान शेडुंग 11 टीम ने आज दिखाया. और क्या तारीफ है काबिल बल्लेबाजी होती हुई. वलवली टीम के किसी भी गेंदबाज को छक्का धागा नहीं था, लेकिन रमेश के गेंदबाजी के ऊपर बिल्कुल अटैक किया. ओवर पिच गेंद थी, सीधा 6 रनों के लिए. फिर से एक बार अनलॉक किया लॉन्ग लेग के ऊपर से. क्या जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर. जी हाँ, ह्यूज. थैंक यू डीजे मचिंद्र दुर्गे साहब. इनकी ओर से 200 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज को आता हुआ. और यहां से टीम की रन संख्या पहुंची है टोटल 25 रनों के ऊपर. किसने सोचा था कि इतनी बड़ी धुनाई होगी इन गेंदबाज की. और क्या मजबूत स्थिति में है जय हनुमान शेडुंग 11 टीम. देखिए लेग स्पिन किया था, स्लोवर जरूर किया था, क्या जबरदस्त वापसी की है. यही होना चाहिए. आपके पास गति के साथ साथ मिश्रण होना भी जरूरी है, क्योंकि कभी तेज तर्रार गेंदें फेंकेंगे तो कभी स्लोवर लेग स्पिन करने की ताकत भी आप में होनी चाहिए. और ये स्लोवर किया डॉट गेंदों की समाप्ति. रास्ते कच्चे थे पर उनके हौसले बुलंद थे. और बुलंद हौसले के साथ अब इस मर्तबा इस मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए इस बार शॉर्ट पिच लाइन का गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई बिल्कुल अंपायर मुड़े और वाइड गेंद का करार दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को. और वाइड की मदद से अतिरिक्त खाता में बढ़ोतरी होती हुई. देखिए ऐसी बल्लेबाजी आज के पूरे दिन में देखने को नहीं मिली है. क्या इस मैच में वो रोमांच पैदा होगा दोनों टीमों के बीच में, जिस तरीके से पिछला मुकाबला गेंदबाजी के आधार पर हमने देखा था. 26 रन टोटल स्कोर कार्ड पर लगते हुए रमेश की यह गेंद फिर से एक बार लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाने, लेकिन अंतिम क्षणों में लेग बाइस का इशारा अंपायर का आता हुआ और एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है इस वक्त 27 रनों के ऊपर. देखिए रमेश श्रीवास्तव ने लगातार दो गेंदे स्लोवर फेंकी है और जिस तरीके से शानदार कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए. पिछली दो गेंदे काफी तेज फेंकी थी रमेश ने और दो गेंदों के ऊपर काफी मार मिली और नतीजा बड़ा टोटल खड़े करने में सक्षम हो चुकी है अब तक जय हनुमान शेडुंग 11 टीम. देखिए बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार टैपिंग विकेट खेलने की कोशिश लॉन्ग मिड विकेट का खिलाड़ी. जब तक गेंद को उठाए तब तक यहां से बल्लेबाजों के पास दो रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी दो रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है 29 रन. जीतने के लिए 15.00 के औसत से 12 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता जी गावदेवी स्पोर्ट्स वलवली टीम के लिए. तो जीत के लिए बिल्कुल 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है. टॉप क्लास परफॉर्मेंस जय हनुमान 11 ना शेडुंग टीम की ओर से हमें देखने को मिला है. किस्मत की एक खास बात होती है कि वो पलटती जरूर है. क्या पलटेगी वलवली टीम अपनी किस्मत. जहां से चैंपियन बनने के लिए 30 रनों की जरूरत है इनके लिए, संघर्ष कितना करेगी. अजिंक्य इनके काफी आक्रामक बल्लेबाज है. जो अजिंक्य
ऑन साइड में खेलना काफी ताकतवर पसंद करते हैं। नीलेश मात्रे पिछले मैच में इनका होप्स बिल्कुल गवाया था, लेकिन फिर भी कप्तान ने इसके कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां सौंपी है कि भाई जाइए आप। पिछले मैच में भले आप थोड़े से कमजोर साबित हुए थे, लेकिन वो कमजोरी अब दूर करनी होगी और इस मैच में आपको 30 रन बनाने ही है। तो मुकेश शेलटकर और उनका साथ देने के लिए नीलेश मात्रे ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर आती हुई। 12 गेंदे 30 रनों की जरूरत है, लेकिन शेडुंग 11 टीम के गेंदबाजों के सामने ये रन बहुत सारे हैं और ये रन बिल्कुल बनाने की ताकत जगावदेवी स्पोर्ट्स वलवली टीम किस तरीके से बना पाती है ये भी देखने वाली बात हो सकती है। शानदार दिन रहा आज, सुपर संडे मेगा फाइनल का दिन है। चैंपियन बनने के बाद हर एक टीम अपने घर पर लौटेगी। दर्शक भी दिन भर यहाँ से पूरी तरह से मैच को एंजॉय कर रहे थे और चकना के साथ साथ शाम को दारू भी होना जरूरी है। काफी थकान महसूस करते हुए घर जाएंगे, एक ठंडा पैक मारेंगे और उसके बाद रात की सांस अपने को ले सकते हैं। तो सभी दर्शकों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पूरे दिन इस टूर्नामेंट के लिए शानदार योगदान दिया। सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो सरपंच ट्रॉफी 2019 जयनमान क्रिकेट स्पोर्ट्स क्लब चिखले के मैदान के ऊपर उन्होंने शानदार योगदान दिया, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। 12 गेंदे 2 ओवर में 30 रनों की जरूरत है। मुकेश शेलटकर जो 2-3 मैच में इस बल्लेबाज ने कुछ कर नहीं दिखाया, शायद क्या इस मैच में कर पाएंगे। तो गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आते हुए प्रशांत पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद मुकेश शेलटकर के लिए फेंकने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद खेली की थी, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। डिप स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद देखते देखते सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो निश्चित तौर पर आपके जो दर्शन पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर आ चुके हैं। पहली गेंद के ऊपर फुलर लेन की डिलीवरी थी, दिशा दी मुकेश शेलटकर ने सिर्फ, और लॉन्ग स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। पारी की शुरुआत दमदार होती हुई, अंदाजा ऐसा रखो कि कोई अंदाजा ना लगा पाए। मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। यॉर्क डालने की कोशिश, बैकफुट पॉइंट के रीजन में फील्डर मौजूद है। शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन होता हुआ इसे 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है 5 रनों के ऊपर। क्या इस मुकाबले में अभी भी 25 रनों की जरूरत है। पहली 2 गेंदें इस खिलाड़ी ने खेली और 2 गेंदों के ऊपर 5 रन बटोरे और अब स्ट्राइक इस मर्तबा नीलेश मात्रे के पास पर आती हुई। दर्शन पाटिल सटीक लाइन से गेंदबाजी करते हुए शेडुंग 11 टीम की ओर से, देखिए लगातार डॉट गेंदें खेलना इस वक्त नीलेश की ओर से नजर आ रहा है। और क्या ऐसे विपरीत परिस्थितियों में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना है कि कप्तान ने अजिंक्य मात्रे को भेजना चाहिए था, क्योंकि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। या तो 3-4 गेंदे खेलेंगे, 1-2 छक्के मारेंगे, या तो जल्दी आउट होकर मैदान से बाहर लौटेंगे। लेकिन कप्तान का भरोसा इस खिलाड़ी के ऊपर, नीलेश मात्रे आप में भी वो हुनर है, आप में भी वो टैलेंट है और आप भी वो कर सकते हैं। डॉट गेंदों की हुई समाप्ति 5 रन। फिर से एक बार अच्छी गेंद, बढ़िया फील्डिंग होती हुई शॉट मिड ऑफ के रीजन में, कम से कम इस खिलाड़ी ने अपने टीम के लिए 1 रन जरूर बचाया और इसे 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है 6 रनों के ऊपर। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है, और यकीन यहां से जब तक आपका पास बल्ला है तो कप्तान भी सोचेगा भाई तू ही मारने वाला है और तू ही मैच जिताने वाला है। मुकेश शेलटकर ऑन द स्ट्राइक आते हुए राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाज, फुल टॉस गेंद, कैप ढूंढने में कोशिश कर रहे थे लेकिन एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में जब तक फील्डर उठाए एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यही तो चाहती है शेडुंग 11 टीम, एक एक रन जाए, चौके छक्के रोके और वही कोशिश करते हुए 1 की मदद से रन संख्या पहुंची है 7 रनों के ऊपर। अभी भी इस ओवर की महज आखिरी 1 गेंद बची है, 7 गेंदे और 23 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। नीलेश मात्रे के लिए बल्ले के जड़ में फेंकी थी इस गेंद को, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं, सफल ओवर की हुई समाप्ति। इस ओवर से मात्र 8 और जीतने के लिए बात करेंगे आखिर की 6 गेंदे और 22 रनों की आवश्यकता। राजू पाटिल आला नवस, राज साहिबान तो खास, राजू पाटिल आला नवस, होती चर्चा गावा गावात, एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा। थैंक यू डीजे, 6 गेंदे बची और जीतने के लिए 23
22 रनों की आवश्यकता। देखिए शाम समय शाम का समय है, हवा भी रुकी है, काफी ठंड अब गिरेगी थोड़ी देर में, और निश्चित तौर पर शाम के वक्त रन चेस होना इतना आसान नहीं होता, लेकिन क्या इस बाजी को पलट देंगे जिगावदी इलेवन वलवली टीम के बल्लेबाज। ताश का चोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देती है, क्या ये बाजी घुमा पाएंगे? नीलेश मात्रे तैयार, पहली गेंद शॉर्ट पिच जरूर फेंकी थी, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, थोड़ी सी खराब फील्डिंग होने का प्रयास, लेकिन आखिर के क्षणों में गेंद को रोका, मुकेश शेलटकर को चलता बनाना पड़ेगा, विकेट नंबर पहला। बैक टू द पवेलियन, थैंक यू डीजे। तो रुति के लिए 200 रुपए का इनाम आ चुका है, अगर लंका चाहिए तो रावण बनना पड़ेगा, और राम बनना है तो रावण को हराना पड़ेगा। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखी है, क्योंकि यहां से पूरी तरह से दबाव में है इस वक्त जय गावदेवी स्पोर्ट्स वलवली टीम। टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो टोटल स्कोर लग चुके हैं 9, अब बची हुई 5 गेंदे, उसमें से 4 छक्के लगा पाएंगे तो मुकाबला वलवली टीम के खेमे में। इस बार लाजवाब टाइमिंग, हवा में गेंद जरूर है, फील्डर डाउन द ग्राउंड, और यहां से बल्लेबाज नीलेश मात्रे का विकेट मैदान से बाहर। हमसे टक्कर लेने वाला तो आओ मैदान में। चार गेंदे बची और जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता, क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया शेडुंग 11 टीम ने, यानी कि फर्स्ट सेमीफाइनल इनका खोपटे टीम के खिलाफ था, और खोपटा टीम कई कारणों से इस मैदान के ऊपर आई नहीं और सीधा शेडुंग टीम को विन दिया, और शेडुंग 11 टीम अंतिम मेगा फाइनल में क्या कमाल का परफॉर्मेंस देती हुई, चार गेंदे 21 रनों की जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए वलवली टीम को। लाजवाब दर्शनी गेंदबाजी संदीप खेत्री की ओर से, और यहां से डॉट गेंदों की समाप्ति, अब मुकाबला बिल्कुल खुला हो गया है, 3 गेंदे 21 रनों की जरूरत, मात्र 3 कदम दूर है जय हनुमान शेड्यूल 11 टीम चैंपियन बनने के लिए। अपनी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी, मेहनत लेनी चाहिए थी, किस्मत का साथ भी मिला था, लेकिन साथ साथ बल्लेबाजी थोड़ी सी खराब नजर आती हुई। फुल टॉस के देखिए लेग स्पिन किया था इस गेंद को, और एक एक डॉट गेंद के लिए जल्लोश खुशी का माहौल शेडुंग 11 टीम के खेमे में आता हुआ, और निश्चित तौर पर क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए फुल टॉस, भले देर से सही लेकिन छक्का जरूर आया लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। अरे रेशमा माझ्यावर चिडू नको, आधा सामना वनसाई का है, तर कामी बिगड़लो तर मी लई वाई। थैंक यू डीजे। जहां कोशिश का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यहां से कोशिश की जा रही है, भले जाते जाते एक छक्का जरूर दागा, और 6 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है 15 रन, आने वाली एक गेंद बची आखिरी, और जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। चले कितने मार्जिन से यह मुकाबला हारेगी, कहां गलतियां हुई, गलतियां बल्लेबाजी नहीं चली, और इसी के साथ सरपंच चषक 2019 के चैंपियन बनी जय हनुमान शेडुंग 11 टीम। डीजे